नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिजॉन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज का प्रैक्टिकल है मेजर फ्लैटनेस ऑफ द गिवन कंपोनेंट बाय इंटरप्रेटिंग फ्रिंजेस यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स एंड ऑप्टिकल फ्लैट। जैसे आप आपके सामने यहाँ पे देख रहे हो कि एक यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, यहाँ पे एक ऑप्टिकल फ्लैट है और ये आपका टेस्ट सैम्पल है। उसके साथ आप देख रहे हो यहाँ पे एक मैंने स्लिप गेज भी रखा है मेजरमेंट के लिए। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि उन्होंने अलग अलग फ्रिंज पैटर्न बनाए हैं और उसके हिसाब से आप पहचान सकते हो कि आपका जो मशीन सरफेस है वो परफेक्टली फ्लैट बना है या कॉन्वेक्स बना है। तो यही प्रैक्टिकल में कवर करना है, तो लास्ट तक प्रैक्टिकल देखिए तो आके आपको ये प्रैक्टिकल अच्छे से समझ में आए। आपको इसमें क्या करना है, सेट द ऑप्टिकल फ्लैट, ऑब्जर्व द फ्रिंज पैटर्न, इंटरप्रेट द फ्रिंज पैटर्न। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कीप द ऑप्टिकल फ्लैट ऑन मास्टरपीस, उसके बाद अप्लाई प्रेशर बाय टू फिंगर्स सो दैट देयर शुड बी नॉट बी एनी गैप, ऑब्जर्व द फ्रिंज पैटर्न, कीप ऑप्टिकल फ्लैट वंस अगेन ऑन द सेम सरफेस, अप्लाई प्रेशर जेंटली सो दैट सम एयर गैप एग्जिस्ट। आपको क्या करना है कि ये जो ऑप्टिकल फ्लैट है इसके ऊपर क्या करना है आपका, ये आपका कंसिडर कर लिए, ये आपका वर्क पीस है जो आपने मशीनिंग किया है और ये आपका ये ऑप्टिकल फ्लैट है। इसके ऊपर आपको क्या करना है, रखना है और फिर इसको दो फिंगर से क्या करना है, ऐसे उसको प्रेस करना है। फिर उसका अंदर जो पैटर्न बनता है वो देखना है कैसा है, फिर उसको छोड़ देना है जेंटली और फिर उसको क्या करना है, उसका वापस से एक बार आपको फ्रिंज पैटर्न देखना है। व्हेन द फ्रिंजेस आर परफेक्टली स्ट्रेट एंड सम फ्रिंज विड्थ फॉर डार्क एंड ब्राइट बैंड सेम, अभी कैसे देखो, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे आपके यहाँ पे परफेक्टली फ्लैट का फ्रिंज पैटर्न है। अगर आपका ये जो विड्थ है ये दोनों ब्लैक और इसका सेम सेम है तो आप क्या बोल सकते हो, ये परफेक्टली आपका जो वर्क पीस है वो परफेक्टली फ्लैट है। फिर उसके बाद अगर ऐसे पैटर्न आया तो आपका जो वर्क पीस है वो कैसा है, सिलेंड्रिकल है। अगर ऐसे पैटर्न आता है तो आपका ये कॉन्वेक्स है लेकिन सिलेंड्रिकल है। कॉन्वेक्स उसके बाद ये कॉन्वेक्स है, ये इररेगुलर है, ये सैडल है, ये कॉन्केव है, ऐसे अलग अलग फ्रिंज पैटर्न है। अभी ये जो पैटर्न है ये मैं मेरे नेकेड आई से वो देख सकता हूँ लेकिन मैं कैमरे से दिखा सकता हूँ कि नहीं वो देखेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको एक ये भी रखा है यहाँ पे। मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से अभी ये कैमरा निकाल लेता हूँ। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक फ्रिंज पैटर्न है, अभी देख सकते हो यहाँ पे एक फ्रिंज पैटर्न आ रहा है यहाँ पे, आप ही आप क्लियरली देख रह सकते हो कि यहाँ पे वर्टिकल लाइंस आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अभी अगर मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसको ऐसे बेयर हैंड से मेरे क्या कर लेता हूँ उसको वापस, या अभी क्या हो गया यहाँ पे, अभी आप देख सकते हो, देखो एकदम बारीक से ऐसे वर्टिकल लाइंस है, उसके बाद गैप है, उसमें ऐसे फिंच पैटर्न आपको उसमें दिखेगा अगर आपका सरफेस परफेक्टली फ्लैट है। मतलब ये नीचे का है जो आपका, ये आपका वर्क पीस है और आपकी ये जो है आपका, ये आपका ऑप्टिकल फ्लैट है। इसको अगर मैं ऐसे टच ये करता हूँ तो देखो ऐसा फ्रिंज पैटर्न उसमें बनता है। अभी मैं क्या करूँगा, ये वर्क पीस नीचे का निकाल के उसमें स्लिप गेज रखता हूँ, फिर देखेंगे। मैंने अभी मेरा वर्क पीस चेंज कर दिया है और मैंने अभी उसमें स्लिप गेज रखा है, तो आप देख सकते हो स्लिप गेज पे भी क्या हो रहा है, थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है, उसको थोड़ा सा ये कीजिए, इग्नोर कीजिए। अभी उसको मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा उसको प्रेस करके दिखाता हूँ आपको। अगर उसमें प्रेस करके मैंने देखा तो उसमें कुछ भी गैप नहीं रहता है और आपको जो फ्रिंज पैटर्न है वो क्लियर दिख जाता है, ठीक है। ठीक है, ऐसा ये प्रैक्टिकल था। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।